रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 24x9 में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। आप सोच रहे होंगे मैं हंस क्यों रही हूँ, उसकी वजह आपको अबूज़र बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं अबूज़र, आप सीमल इसलिए लेट हो गई क्योंकि कई दफ़ा मतलब वीकेंड में ना थोड़ा सा घूमा होता है, थोड़ा सोच रहा होता है, तो शायद हमें प्रोग्राम के जो काउंटडाउन है उसका नहीं हो सका। लेकिन हम आपस में बातों में इतने मसरूफ थे कि सवेरा जब हमें काउंटडाउन दे रही थी हमें पता नहीं लगा। एंड आई वाज स्टैंडिंग हियर और अब उधर पीछे खड़े होकर मुझे कह रहे थे वापस आ जाएं, यहां से स्टार्ट हो चुका है, मंडे हो चुकी है। और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। और इसके साथ साथ चूंकि कल एक बहुत जिसे कह सकते हैं ना कि इंकशाफ किया गया असद उमर साहब की जानिब से कि शायद जून में 3 लाख और जुलाई में 12 लाख तक केसेस जा सकते हैं, अगर यही तरीका कर रहा पाकिस्तानी अवाम का तो ये बहुत ज्यादा खौफनाक सिचुएशन है। बिल्कुल सही। लेकिन इसके साथ साथ ओवर द वीकेंड जो खबरें आ रही थी कि लॉकडाउन होगा या मुकम्मल लॉकडाउन होगा खासतौर पर लाहौर के हवाले से, वो अक्सर मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर आज़म ने लाहौर का दौरा किया और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी तजवीज़ अभी हम उसको ऑप्ट नहीं करेंगे। उसके साथ साथ जो वफाकी बजट आया उसके पोस्ट बजट जितने भी एनालिसिस थे और सिनेरियोस थे उनको डिस्कस किया गया। हम भी प्रोग्राम में कोशिश करेंगे डिस्कस करें और साथ ही साथ आज पंजाब का बजट भी पेश किया जा रहा है तो उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। पंजाब का 22 खरब 40 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। पंजाब में भी विफाक वाला फॉर्मूला चलेगा। सूबाई हुकूमत का सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह और पेंशन ना बढ़ाने का ऐलान। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज। ऑल पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन काउंसिल का 18 जून को मुल्क भर के सरकारी दफातर में हड़ताल का ऐलान। चीनी की कीमत पर नया तनाजा। शुगर मिल्स एसोसिएशन का यूटिलिटी स्टोर्स को 63 रुपए फी किलो चीनी फराहम करने से इनकार। अदालती हुक्म पर 60,000 टन चीनी 70 रुपए फी किलो पर फराहम कर रहे हैं। कोरोना वबा में वफाकी हुकूमत फिर सिंध हुकूमत से कशीदगी के मूड में आ चुकी है। लाहौर का 1 और कराची के 3 अस्पताल वफाक के मातहत आ गए हैं। अस्पतालों से मशीनरी आलात की मुंतकली और भर्तियों पर पाबंदी आए। असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी, कहते हैं सूरत हाल यही रही तो जुलाई के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद 10 लाख हो सकती है। जिन इलाकों में केसेस ज्यादा होंगे वहाँ टारगेटेड लॉकडाउन किया करेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ने लगे। एक दिन में 5,248 केस सामने आ गए, तादाद 1,44,448 तक पहुंच गई। 97 अफराद जान से गए। पाकिस्तान में अमवात 2,729, 53,721 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। कोरोना के बाइस ईद कुर्बान पर सिंध में मवेशी मंडियां नहीं लगेंगी। महकमे बल्दियात ने मवेशी मंडियों के हवाले से सिफारिशात वापस ले ली। इंशा की आज 93वीं सालगिरह। वेलकम जी। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज एक और अहम दिन है। फ्राइडे के दिन वफाकी बजट अनाउंस किया गया, उस पर बहुत सी बात हुई वीकेंड पर आपने देखा होगा। लेकिन अब नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड रिलीफ है जो कि मिल सकता है या नहीं मिलेगा वो है पंजाब से, पंजाब हुकूमत से, जो कि आज दोपहर 2 बजे इजलास होगा और आज बजट पेश करेगी। तो ये उम्मीद करते हैं कि ये एक सिर्फ प्लस पॉइंट मैंने अभी तक देखा है जो स्टडी की है कि शायद 200 अरब से ज्यादा का सरप्लस बजट हो सकता है, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। बिल्कुल सही। आज पंजाब जो है वो 22 खरब 40 अरब का बजट पेश करेगा जिसमें वाज़ह तौर पर ये क्लियर कर दिया गया है कि सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं होगा जैसे वफाकी हुकूमत ने डिसीजन लिया था। फिर सूबाई टैक्स जो लगाए जाते हैं उनको भी कम करने की तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर लाई जा रही है। बहरहाल जी ये एक बड़ा बजट पेश किया जाएगा और जैसे ही बजट जो है वो वफाकी अनाउंस किया गया था तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि हेल्थ और तालीम तो वैसे ही सूबे के अंडर आती है और वो सूबाई बजट के अंडर आएगी। सो आज ये देखना होगा कि पंजाब जो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, ग्रोथ के लिहाज से, उसमें कितना बजट जो है वो हेल्थ के लिए रखा जाता है और कितना एजुकेशन के लिए रखा जाता है। इसके साथ साथ ऑपोजिशन आज काफी टफ टाइम देने वाली है। ये ऐलान कर दिया गया है कि पंजाब असेंबली में भरपूर एहतजाज किया जाएगा और बजट के दौरान जो है ये प्रोटेस्ट किया जाएगा जो कि हमेशा से होता भी आया है लेकिन इस दफा
और इस टेन्योर में 2018 से लेकर अब तक ये इसलिए भी ज्यादा मुश्किल है बुजुर्ग, क्योंकि ऑपोजिशन की तादाद बहुत बड़ी है, ऑलमोस्ट इक्वल है। मुझे ना सिमल थोड़ा सा ये बातें ज्यादा लगती हैं, हर दफा ऑपोजिशन यही कहती है टफ टाइम देंगे, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा काम जो कि हुकूमत चाह रही हो, बजट पास करना है या कोई कानून पास करना है, ऐसे लगता है कि शायद सिर्फ सामने एहतजाज किया जाता है लेकिन फिर बिल भी पास होते हैं, उसके बाद फिर बजट भी पास होते हैं। ऑपोजिशन वॉकआउट भी कर दे तब भी बजट पास हो जाता है। आप देखिए कायदे हिज़्बे इख्तलाफ इस दफा नहीं थे ऐवान में, विफाक में बजट पेश किया गया और पास भी हो जाएगा तो इसी तरह जिस तरह से प्लान बनाया गया है कि नून लीग पीपल्स पार्टी एक पेज पर होंगे और आज वो एहतजाज करेंगे, लेकिन एहतजाज से क्या बजट पास नहीं होगा या एहतजाज से क्या बजट पेश नहीं होगा, ये तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। हो कह सकता है अगर आप कुछ चाहते हैं प्रोग्रेसिव तो वो ये हो सकता है कि आप तजावीज़ दें जो आइंदा चंद दिनों में बजट स्पीचेज होंगी उसमें तजावीज़ दें, कुछ चेंजेस आप अगर रिकमेंड करते हैं वो चेंजेस पर आप प्रेशराइज करें हुकूमत को कि जी हम ये चाह रहे हैं इसको इतने परसेंटेज किया जाए, इसको इस तरह चेंज किया जाए, जो भी अगर आपको कोई एतराज है वो है असल कामयाबी ऑपोजिशन की। बेसिकली प्रोडक्टिव स्टेप्स करने की जरूरत है बजाय इसके कि पूरे ऐवान को मछली मंडी बना दिया जाए। और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये हमेशा हम देखते हैं कि ऐवान में जब ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करती है और इतनी बड़ी तादाद में जब ऑपोजिशन होती है और वो प्रोटेस्ट करती है तो बजट तकरीर सुनना मुहाल हो जाता है, पूरे का पूरा ऐवान जो है वैसे शोर होगा हो रहा होता है, बजट की कॉपीज फाड़ दी जाती हैं और आज भी आप देखिएगा यही होगा एग्जैक्टली। जब असेंबली नेशनल असेंबली में बजट पेश किया गया तो उन्होंने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिसपे डिफरेंट सेइंग्स लिखी थी और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमाद अज़हर साहब ने बड़े तरीके से वो पूरा बजट पेश किया। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि ज्यादा शोर और जो शोर शराबा है ना वो ऑपोजिशन की तरफ से। अब आप ये भी देखिए ना कि नेशनल असेंबली में जब बजट पेश किया गया है तो ऑब्वियसली पहली का तादाद भी थोड़ी कम थी कोरोना के बाइस, और फिर सेफ डिस्टेंस भी रखा गया था, चेयर्स को इस तरह से रखा वहाँ पे सेटल किया गया कि आप जो है कोरोना के एसओपीज को फॉलो करें। एक दो जब पार्लियामेंटेरियंस आगे एहतजाज करने बढ़े तो स्पीकर ने उनको रोक भी दिया। तो बहरहाल ये एक अलग मामला है कि आप एहतजाज करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं फिर वही बात करना चाहूँगा कि होता ये कि अगर आप कोई तजावीज़ पेश करें तो वो है असल प्रोडक्शन, अगर आप कुछ चेंजेस लेकर आते हैं बजट में, कुछ अच्छा आप चेंज लेकर आ सकते हैं वो है आपका किरदार, अगर आप सिर्फ शोर शराबा करना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, और गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत जरूरी है कि आवाम का खास ख्याल रखा जाए। तो देखते हैं पंजाब हुकूमत जो आज बजट पेश करने जा रही है उसमें उनका उनकी पॉलिसीज क्या होंगी, उनका मेन फोकस क्या रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, तो हम ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो हमारे साथ गेस्ट पैनल भी होगा और इसको हम मजीद डिस्कस भी करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बजट के हवाले से बात कर रहे थे और इसी हवाले से पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले रुकन सूबाई असेंबली हैं खलील ताहिर सिंधू साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिंधू साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सिंधू साहब, आप तक आवाज आ रही है? ठीक है, अभी मेरे ख्याल उनको डिले हो रहा है थोड़ा सा। जी जी, और हमारे साथ स्टूडियो में तर्जुमान पंजाब हुकूमत आसिम शौकत अली साहब मौजूद हैं, उन्हें भी हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, थैंक यू, आप आए। आज अहम दिन है जो कि आपको पता ही है, पंजाब आज क्या करने जा रहा है, पंजाब हुकूमत आज क्या करने जा रही है। दो साल अब हो चुके, दूसरा अब आप ये बताएं कि क्या प्लान है। सरप्लस बजट की बात की जा रही है कि सरप्लस बजट पंजाब हुकूमत देने जा रही है, क्या पॉसिबल है और किस चीज को ज्यादा वेटेज देने जा रहे हैं आप? हमारा प्लान ये है कि पंजाब में हम दो तीन चीजों पर मेजर इशू करेंगे। एक तो कि गरीब तक तबके को एक थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए, उसके लिए प्लानिंग ये है कि डेवलपमेंट बजट जो है वो उसके ऊपर कंसंट्रेट किया जाए, और ताकि ये जो डेवलपमेंट होता है ना, ये एक इंजन होता है आपकी इकोनॉमी का। जो कोरोना की वजह से 2.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, एफर्ट ये है कि उनके लिए जॉब क्रिएशन हो, फिर हेल्थ सेक्टर है, फिर एजुकेशन सेक्टर है, तो प्रायोरिटी के ऊपर तो सोशल सेक्टर है प्लस जॉब्स। अब बाकी आ जाएगा तो फिर उसको इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आ जाएगा तो इसको भी डिस्कस करेंगे। जी खलील ताहिर सिंधू साहब, अब तक आवाज आ रही है, क्लियर हुआ कुछ मामला अगर मुझे पीसीआर से बता दिया जाए?
आपको आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। ताहिर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। थोड़ा टेक्निकल मसला हो गया था जिसकी वजह से आप तक आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा जी, हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत आसिम शौकत अली साहब भी मौजूद है स्टूडियो में। बजट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, सिंधु साहब क्या कहेंगे आप? अपोजिशन ने तो कहा है कि हम आज एहतजाज करेंगे और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। क्या पॉइंट है? मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी को भी ऑन बोर्ड दिया जाएगा ये भी कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो आज बजट ये पेश करने जा रहे हैं, ये चूंकि रूल्स की एक पाबंदी है, 30 जून तक बजट पेश करना होता है जी। उसलिए ये आज चंद दादो शुमार का जो गौरव धंधा है ये पेश करेंगे। असल बजट तो इसके बाद आएगा। ये भाई बैठे हैं मेरे आसम, इनको भी पता है कि अभी बजट दिसंबर से पहले 2-3 बजट और आएंगे। और आज का जो बजट है, हम एहतजाज ये नहीं करेंगे कि ऐसे कोई शोरूम होगा और ऐसे इनके मतलब, क्योंकि इनके जो काम है सारे, जितने भी जो कुछ ये कर रहे हैं सारा कुछ, ये देखिए आप अभी आसम साहब बात कर रहे थे तरक्याती कामों में, अगर ये बजट की बुक पढ़ें उसके सफा नंबर 379 पर, तो इनकी जो है 13% उन्होंने कमी कर दी तरक्याती मनसूबों में, 11% कमी कर दी इन्होंने सेहत में, और इसके अलावा जो रिसर्च है सबसे बड़ा जो है ज़रायत हमारे जो है एक रीढ़ की हड्डी है उसकी रिसर्च ली कि इन्होंने एक सिंगल पैनी भी नहीं रखा। तो ये किस तरह से कहते हैं गरीब खुशहाल होगा, इन्होंने गरीब को मार दिया, फिर अद्वियात चोरी का स्कैंडल इन पे है, इसके अलावा अपना जो है अपना गंदम चोरी का स्कैंडल इन पे है, मास्क चोरी का स्कैंडल इन पे है, चीनी चोरी का स्कैंडल इन पे है, चंदा चोरी का स्कैंडल इन पे है, वोट चोरी का स्कैंडल इन पे है, खराब चोरी का स्कैंडल इन पे है। तो इन सबको इकट्ठा कर ले तो देख ले कौन सी जमात बजट पेश करना चाह रही है जो हम पे थोपी गई है, और इंशाल्लाह आप थोपने वाले भी पछता रहे हैं हम किन को ले जाएंगे ये सारा। इन्होंने तो गरीब का जो जीना मरना सबसे बड़ी एक कातिल है इस हवाले से कि इन्होंने गरीबों की आस का कत्ल किया है, गरीबों की उम्मीद का कत्ल किया है। जब किसी कौम की, किसी गरीब की, किसी इंसान की आस और उम्मीद टूट जाती है तो उसके लिए सारा कुछ खत्म हो जाता है। लिहाजा मिस ये सिर्फ गौरव धंधा होगा, एक तालियां बजेगी इनकी तरफ से, और जाहिर है सीधे इनके पास 3-4 वोटों की है, ये उसको कहेंगे कि हमने पास कर लिया, हम उसको जाहिर नेचुरली ऑटोमेटिकली बात करेंगे, लेकिन असल बजट तो ये बाद में 2-3 दफा लेके आएंगे। एक मेन बजट अभी है, उसके बाद मिनी बजट आएंगे, और ये अभी की बात होता है ठीक है। खलील साहब आपने ठीक कहा, जो भी आपको लग रहा है इस वक्त आपकी पार्टी को भी बताइएगा। आसिम साहब मिनी बजट्स की बात तो चले अब वो तो अभी वक्त बताएगा कि आप कब लेके आते हैं, लेकिन जो बाकी मामला था डेवलपमेंट की बजट की बड़ी उन्होंने बात की, मैं भी करने वाला था कि आपने कहा डेवलपमेंट बजट बढ़ा रहे हैं, विफाक ने भी डेवलपमेंट बजट में 51 अरब कमी की है, आपने भी यही प्लान बनाया पंजाब हुकूमत की डेवलपमेंट में कहा जा रहा है कि वो कम किया जा रहा है। अच्छा देखें मैं आपको बताऊँ, अभी इन्होंने गरीब की बात की और चोरी की, थोड़ा सा इरेलीवेंट भी हो गए। पहली चीज़ तो 1200 अरब रुपए का ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, बल्कि जो हमारा रीजन है इस खित्ते में किसी भी मुल्क ने इतना बड़ा रिलीफ पैकेज नहीं दिया जो हमने दिया है, और बड़े मुश्किल हालात में दिया है। मैं इकोनॉमी भी बात करूंगा, इस पर भी बात करेंगे कि हमें पीछे से क्या मिला, उसके बावजूद हमने किस तरह उसको हैंडल करने की कोशिश की, और अनफॉर्चुनेटली ये कोरोना जो है ये कोई हमारी हुकूमत का नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक क्राइसिस की सिचुएशन है। आप अमेरिका को देखें, वो कहते हैं जो ग्रेट डिप्रेशन थे उससे ज़्यादा बुरे हाल हमारे हैं। मैं यूके के उनके मिनिस्टर का सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 300 साल में इससे ज़्यादा बुरी सूरत हाल हमारी इकॉनमी पर नहीं आई। तो उसके बावजूद हमने अब देखे ना, एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर क्रिटिसाइज़ हुआ कि हमने सरकारी अफसरान की जो सैलरीज हैं उनमें इंक्रीमेंट नहीं दिया, सिर्फ इसलिए उसकी दो वजूहत थी, एक तो ये कि IMF की कंडीशनैलिटीज थी, वो बड़ी सख्ती कर रहे थे कि आप अपनी ब्यूरोक्रेसी और अपनी सरकारी जो तनख्वाहें हैं उनमें कट लगाएं। हमने स्टैंड लिया, ना सिर्फ ये कि उन पर कट नहीं लगाया, बल्कि हमने कोशिश क्या की कि वो पैसे जो हमने सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में बढ़ाने थे वो हमने डिवेलपमेंट की तरफ डाइवर्ट किए हैं, और हम अब इसको आप देखेंगे कि ज़िले की लेवल पे, मैं अभी क्या ज़्यादा बात करूं, अभी इंशाल्लाह बजट आज आ जाएगा तो दोबारा एक प्रोग्राम रख लेंगे, ज़िले के लेवल पे डेवलपमेंटल प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं, और कोशिश ये है कि प्राइवेट पार्टनर्स को इंगेज किया जाए, जिस तरह लाहौर रिंग रोड का मंसूबा है, ताकि जो आपका डेवलपमेंट है वो इंक्रीज़ हो, और आम आदमी के लिए जो जॉब क्रिएशन है, जो कोरोना की वजह से जो लोग इफेक्ट हो गए थे उनको एक रिलीफ मिले। देखिए आप कोरोना मार्च से शुरू हुआ, अब आप इतने 3 माह का पूरे का पूरे साल को कोरोना के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर सकते ना, ये तो ऑपोजिशन का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इस 3 माह पहले जो हालात थे टारगेट तब भी मीट नहीं हुआ, चाहे वो हम नेशनल असेंबली के बजट की बात कर रहे हैं ओवरऑल या पंजाब की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेशन उससे पहले गरीब उससे पहले भी पिस रहा था, बेरोजगारी उससे पहले भी थी, आप ही की हुकूमत ने करोड़ों नौकरियों की बात की थी
थी जो कि नहीं आई, 50 लाख घरों की बात की थी जो कि नहीं हो सका। तो ये तमाम वो वादे हैं जिस पर आवाम जवाब चाहती है। और फिर एक पॉइंट जो आप लोग कहते हैं कि आवाम बहुत सुपर क्रिटिसाइज हो जाती है ऑन दिस गवर्नमेंट, इस पर भी आप देखिएगा कि ये तमाम दावे और वादे जो किए गए तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बड़े ओपनली किए थे। इसमें मैं कुछ नहीं कह रही, ये तमाम बयानात तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सिमल के आपने दो तीन बातें की कि कोरोना अब आया है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक टेक्निकल नुकता बताऊं। अगर आपका GDP 100% है ना किसी भी मुल्क का, तो अप्रॉक्सीमेटली 8.5% हर मंथ उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अब आपने 3 माह से बिल्कुल अपनी फैक्ट्रीज, अपने कारखाने, जो अपनी प्रोडक्शन है, बंद की हुई है, यानी GDP ग्रोथ तो दूर, आपने तो अपनी GDP जीरो कर दी है। GDP से क्या मुराद है? GDP से मुराद है पैदावार। हाँ, अगर आपकी पैदावार जीरो हो जाएगी तो आपकी GDP कैसे बनेगी? अब आप देखें कि 9 महीने की GDP पे जो 3 महीने का कितना बुरा असर पड़ेगा, पहली चीज तो ये। दूसरी बात आपने की कि आपने घरों की बात की, आपने नौकरियों की बात की। देखें, ये वो तमाम प्रोजेक्ट हैं जो एक दिन में अपने आप को जाहिर नहीं करते हैं। ऑलरेडी ज़मीन एक्वायर की जा चुकी है, रनाला खुर्द में प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, बेशुमार जगह पर ज़मीन एक्वायर की जा रही है। और ऐसे नहीं है, फेडरल बजट में 30 अरब रुपए गरीब आदमी को उनकी मॉर्गेज को आसान करने के लिए दोबारा इंजेक्ट किए गए हैं इस प्रोजेक्ट में। ना इस प्रोजेक्ट को कोई भूला है, ना इस प्रोजेक्ट को अबैंडन किया गया है, बल्कि खसूसी तौर पर फेडरल की तरफ से भी इस बजट को 30 अरब रुपये का, जिसे कहते हैं ना कि आप एक क्या उसे कहते हैं, टीका लगाया गया है कि ये प्रोजेक्ट चलता रहे। चलिए, वो तो प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा हम देखेंगे इंशाल्लाह। हम भी यहाँ हैं, आप भी यहीं हैं। बिल्कुल आसिम साहब, आपने तो बता दिया कि आपके आगे प्लान्स क्या, हुकूमती काम कर रही है। खलील साहब, जिक्र हो रहा था, आपने भी खुद कहा कि आज पेश करेगी हुकूमत बजट, तो उसके बाद अपोजिशन क्या कर सकती है। लेकिन अपोजिशन बहुत कुछ कर सकती है एहतजाज के अलावा। मेरे ख्याल में आपके पास बहुत सी एडवाइज हो सकती हैं, बजट स्पीचेस में बहुत सी तजावीज़ आप दे सकते हैं, जिस तरह कि आप प्रॉपर्टी टैक्स में, लैंड रेवेन्यू में, प्रोफेशनल टैक्स है, CBT है, स्टैम्प ड्यूटीज़ है, इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, कलेक्शन के तरीकाकार में कहाँ बेहतरी हो सकती है, कहाँ पर टैक्स लगाया जा सकता है, कहाँ पर टैक्स को कम किया जा सकता है, ये तजावीज़ भी तो आप दे सकते हैं ताकि बजट में कुछ बेहतरी हो सके। ये तो नहीं कि सिर्फ एहतजाज किया और उसके बाद खामोशी से बजट पास हो गया। देखिए भाई, बड़ा खूबसूरत शेर है कि झूठ बोलना है तो फिर उस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहब करदार होना चाहिए। आसम साहब मेरे भाई हैं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कितना डटाई के साथ वो गलत बयानी कर रहे हैं। ये छोड़ दें, कोरोना 3 माह हो गया आया, और किस तरह से आया? एक यया नामी आदमी था जो अपना आया बलोचिस्तान में, और उसको वहाँ से कौन लेके आया पाकिस्तान में? अगर उस वक्त ये बॉर्डर सील करते और ये लॉकडाउन की तरह इस तरफ जाना नहीं पड़ना था। अगर बॉर्डर सील कर देते एक बार, जब पूरी की पूरी दुनिया इस पेंडेमिक में लड़ रही है, तो पाकिस्तान अकेला स्टैंड आउट नहीं कर सकता था। लेट्स नॉट गो देयर कि कोरोना कैसे फैला। सिमल लोगों की डायरेक्शन है लड़ने की, ये तो हमसे लड़ रहे हैं। ये उस बस पे बैठे हैं कप्तान साहब, जो जिसका पिछला शीशा पीछे सिर्फ देखी जा रहे हैं कि पिछले ने क्या किया, आगे बिल्कुल नहीं देख रहे। एक साल दो साल देखे, आगे देखे एक्सीडेंट कर देंगे। कोरोना जो भी हो सका, हुआ गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी थी, व्हाटएवर आपको लगता है, आज बजट की अगर बात खुसूसी तौर पे करें, जो सवाल आपसे मैंने किए हैं कि आपने कहा कि बजट पास हो जाएगा, आप क्या कर सकेंगे एहतजाज के अलावा? जो तजावीज मैंने आपको दी है कि ये आप कुछ कर सकते हैं, इन पर आप टैक्स के हवाले से बात कर, बिल्कुल वो बात कीजिएगा। आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन तजावीज किसको दें, किसके आगे बीन बजाएं, जब किसी ने सुननी नहीं बात, ना किसी से मुज़ाकरात करने हैं। लोग जंगों में और जब एपिडेमिक्स आते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं। ये बाद हमारा इस सिलसिला पहली दफा हुआ है कि लोगों को कौम से फिर एक हजूम बना दिया गया है, और ऐसा हजूम जिसमें अजदहा छोड़े हुए इन्होंने। बल्कि ये देखिए किस किसके साथ हम बात करें, इनके साथ कौन सी बात करें? हम अपना बजट देंगे, हम इनको बताएंगे क्या कर सकते हैं ये, लेकिन किसी ने मानी नहीं बात। ये तो एक बस एक इनकी गदार है कि बस डटाई के साथ झूठ बोलो कि चोर है, फलां है, फलां है। आज तक कोई बात साबित हुई किसी बात पे? मियां नवाज शरीफ पे, मियां शहबाज शरीफ पे, हमजा साहब पे, मरियम साहब पे, किसी पे भी? और ये लोगों को पकड़ के जेल में डाली जाओ, इस तरह से ये जो है ना, ये जितनी मर्जी कर रहे हैं, इस तरह से हालात को नासाजगार ये हमारे कर सकते हैं, लेकिन हमारे हालात को नासाजगार रख नहीं सकते। लेकिन आपकी बात, यू आर राइटली सेड, वी विल गिव द अल्टरनेटिव। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर आपके प्रोग्राम में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई है, इनको भी बुलाए, मुझे भी बुलाए, तो फिर आपको हम बताएंगे कि ये किस, ये तो किसी बात से, इवन इनके तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तो किसी से, इवन लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते।
इवन इनके जो अपना एजुकेशन मिनिस्टर है ये टेक्नोलॉजी बनाइए 10 फीट चॉइस है और दूसरा इनके प्राइम मिनिस्टर नहीं है ये तो सब नो सिविल नो सिविल नो दिस इज नॉट पर्सनल दिस इज कॉम ये कॉमी जी मैं तो कोरोना से भी जब आया था तो तब भी ये कहता था कि दिस इज नॉट द टाइम टू डू पॉलिटिक्स. ये वो वक्त है कि जिस वक्त कौम को अवाम को हुकूमत को और अपोजिशन को मिलकर ये जंग लड़नी चाहिए. शुरू से यकीन जानिए हमारा गिला करना किसने है लेकिन करना किसने है सीमा काम करता है गवर्नमेंट करती है. अपोजिशन कभी आप अपोजिशन से पूछें खुसूसन मुस्लिम लीग नून से. ये लाहौर में सेंट्रल पंजाब में इनका एक वोट बैंक था. कोरोना के लिए क्या इनकी पेशरफ रही है क्या इन्होंने हेल्प किया कितने इस पे क्वेश्चन नहीं तो नहीं करना होता ना. ये तो मैं समझ रहा हूं कि सरकार ने हर लेन यहां पे तो आपके रोल में राशन बांटता है सही होती है लोगों को बताना कि आप पहले किसी को आप मुझे सिर्फ ये बता दें कोई गुरुदत्त की बात कर रहे हैं जब आप बात करते हैं बड़े सम्मान से लोग बने हैं. एक आसिम भाई आसिम आप मेरे काबिल इत्राम है आप नहीं मैं इसमें कह रहा हूं कि आपके पास तो डाटा है कि गरीब कोरोना की वजह से मरे या गुर्बत की वजह से मरे. सिंधु साहब उनको बात करने दीजिए ताकि मैं इस तरफ भी आ जाऊं शामिल करने आपकी बात अच्छा. अब दूसरी बात इन्होंने की कि आप एहतसाब की तरफ बात की. देखें हमारा ये मैंडेट था कि हमने एहतसाब करना है और जैसे कहते हैं ना बिला इम्तियाज एहतसाब करना है. अभी एक चीनी क्या कहते हैं जो क्राइसिस हुआ था उसके ऊपर एक तहकीकाती रिपोर्ट आई है. मेरा ख्याल है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 72 इयर्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ये हुआ है कि उसमें हमारे ऑपोजिशन के लोगों का भी नाम है उसमें हमारे हलीफों का भी नाम है और उसमें जो हमारे क्लोजेस्ट एलाइज थे हमारी पार्टी के लोगों का भी नाम है. इसके अलावा और बिला इम्तियाज एहतसाब की डेफिनेशन और क्या हो सकती है. बकायदा एफआईए को एससीसीपी को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नैब को तमाम इदारों को हदायत दे दी है. मैंने सिर्फ सिंधु साहब को इन्वेस्टिगेशन केसेस में नाम हो ऑपोजिशन के लीडर्स के तो आप ईसीएल में नाम डलवा देते हैं. फोरेंसिक ऑडिट हो रहा हो एक स्कैंडल का और उसमें एक मेजर नाम मुल्क से बाहर चला जाए जिम्मेदार कौन है ये भी आपका क्वेश्चन वैलिड है. लेकिन उसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बिला इम्तियाज की बात की किसी एक बंदे का नाम भी ईसीएल में अभी तक नहीं गया. ईसीएल में जैसे ही नैब अपनी कार्रवाई बैक ऑन टॉपिक मैंने सिर्फ उनका जवाब दिया. और दूसरी बात एक बात मैं और कहूं मैंने कहा कोई चीज साबित नहीं हुई. मियां नवाज शरीफ साहब को पहले नैब में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सजा हुई है. अब आगे चले बिल्कुल मैंने सिर्फ उनकी बात का जवाब दिया. जो सेंट्रल बजट था मेरा ख्याल था हम जी जी एक सेकंड जी सिंधु साहब सिबल देखें जिस दिन इन्होंने शहजाद अकबर मिर्जा साहब ने जब ये पेश करनी थी रिपोर्ट और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर बोलना था उससे एक रात पहले शियाने शाम तरीके से जहांगीर तरीन और उसके बेटे को यहाँ से इन्होंने भेजा. लेकिन आज का मेन सिबल बात सुन ले राणा सलाल साहब का नाम ईसीएल में आसर इकबाल साहब का नाम जानती है और इसके ऊपर प्रोग्राम अलग से कर ले ठीक है प्रोग्राम अलग से कर ले. फिर आसम भाई फिर ये बिला इम्तियाज तो बात ना हुई ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना. सिंधु साहब बिला इम्तियाज मैंने इसलिए कहा था कि चीनी की रिपोर्ट पे हमारे हलीफों का भी नाम है हमारी पार्टी के लोगों का भी नाम है और ऑपोजिशन का भी नाम है. मैं वापस आना चाहती हूं रियायत और कोई रियायत नहीं आप आसिफ भाई आप तो बिला इम्तियाज की बात करें आप इम्तियाज आलम के घर पे होने वाली डकैती नहीं पकड़ सके. अच्छा सिंधु साहब सुन लीजिए हम बजट पे बात कर रहे हैं थोड़ी आवाम की बात कर रहे हैं खासतौर पर हेल्थ के ऊपर. जैसे अभी आपने जिक्र किया कि तजावीज में जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है पंजाब में 13% 11% कम किया जा रहा है हेल्थ के अंदर 11-13 वो तो आज अनाउंस होगा तब पता लगेगा कितने परसेंट कम किया है. आसिफ साहब व्हाई नॉट फोकस ऑन हेल्थ सेक्टर मेरे पास है. सबसे ज्यादा मेजर इस वक्त फोकस्ड जो सिनेरियो है वो हेल्थ ही होना चाहिए. हॉस्पिटल्स की सिचुएशन हम देख रहे हैं पेशेंट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं फैसिलिटीज और रिसोर्सेज उतने नहीं है क्यों नहीं फोकस किया जा रहा है. अच्छा देखें अभी रिसेंटली मैंने अभी बिल्कुल शुरू में बताया कि ये एक कोरोना हिट हमारी एनवायरनमेंट है और इसके अंदर हम तकरीबन 1200 अरब का पैकेज जो है वो एक रिलीफ पैकेज दे चुके हैं. उसके अंदर अब भी तकरीबन फेडरल बजट जो है उसके अंदर जो आ गया है बजट मैं उसका आपको बताऊं कि हमने तकरीबन 65 बिलियन रुपीज़ रखे हैं
कोरोना रिलेटेड आपको जो रिलीफ देना है, हालांकि आईएमएफ की तरफ से बड़ी सख्त कंडीशनैलिटी है कि अब आपने मजीद कोई रिलीफ पैकेज नहीं देना, यह हमने अपने जो हैं अखराजात कम करके उसमें निकाला है और उससे रिलेटेड जितनी इम्पोर्ट थी कोरोना से रिलेटेड इक्विपमेंट की, उसमें पीपीईज थे, उसके अंदर टेस्टिंग किट्स थी, उसके अंदर कोई और इक्विपमेंट मेडिसिन थी, उन तमाम के ऊपर हमने ड्यूटी जो है वो बिल्कुल वेव कर दी है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो फेडरल की तरफ से आपके हेल्थ उसमें दी गई हैं। पिछले 4-5 माह में आपने देखा कि तमाम अखराजात को रोक कर आपने फंड्स को डाइवर्ट किया अपनी मेडिकल एबिलिटी इन्हांस करने के लिए। उसमें आपके हाई डिपेंडेंस यूनिट्स थे, उसके अंदर आपके पीपीईज थे, उसके अंदर आपके क्वारंटाइन सेंटर्स थे, उसके अंदर आपके वेंटिलेटर्स की परचेज थी। वाली स्टोरी आती है जहां पर बिलों की मद में और एक्सपो सेंटर की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो पे नहीं कर सके और इवन यहां तक आ गया था कि उनका बिजली का कनेक्शन कटने वाला था। मैं लाहौर शहर की बात कर रही हूं, जो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वारंटाइन सेंटर बनाया था, 90 करोड़ का स्कैंडल है एक्सपो सेंटर का बिल भी। देखें वो बिल्कुल क्लियर कर दिया था, वो एक एस्टीमेट था, ये बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 करोड़ के अंदर ये सेटअप हुआ है और जितने बिल हैं सरकारी बिल हो सकता है आज ना दिया जाए तो कल दे दिया जाए, सरकारी बिल आप कभी भी उसको अवेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन आसिफ साहब आप हेल्थ की बात कर रहे हैं, हेल्थ से पहले सिंधु साहब ने एक और भी पॉइंट उठाया था, वो ये था कि डेवलपमेंट बजट आपने कहा कि पंजाब हुकूमत बढ़ाने जा रही है लेकिन असल में वाकई जो डेवलपमेंट बजट है वो तो कम हो रहा है। बढ़ाने नहीं जा रही, मैंने कहा था हमारा मेन स्ट्रेस जो है वो जॉब क्रिएशन है उन लोगों के लिए जिनका जो जॉब था क्या कहते हैं वो कोरोना वायरस की वजह से जो फैमिलीज अफेक्ट हुई, मतलब एक बजट उठाकर दूसरी तरफ कर रहे हैं लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ आप नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ आ रहे हैं। और देखें अल्टीमेटली यू हैव टू प्ले इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, बिल्कुल ठीक, आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तमाम आपकी जो डेट पेमेंट्स हैं वो करने के बाद उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि किस तरह आप मैक्सिमम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारा इस वक्त सूबों पे यही स्ट्रेस है कि जिले लेवल के ऊपर जाकर हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे और हम ये किसे कहते हैं ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें। अच्छा, आपका ये जो एग्जाम है आई पर्सनली फील कि ये एक्चुअली बड़ा थॉट प्रोवोकिंग प्रोग्राम होगा क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद डेवलपमेंट के बजट को मेजर कट लगाकर आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे ऐसे खर्च कर देते कि लोगों को रिलीफ पैकेज दे दे, लेकिन वहीं पर ये नैरेटिव मुझे बड़ा स्ट्रांग लगा कि अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेंगे और डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करेंगे तो लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल होंगी और जब हम जिलाई सतह पर करेंगे तो वहां से मुतल्लिका लोग जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, विच इज एक्चुअली गुड। सिंधु साहब आप इससे अग्री करते हैं कि ये होना चाहिए वाकई में या आपका कोई और नैरेटिव है, पार्टी का कोई और नैरेटिव? देखिए सीमल, मैं बड़े इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आसिम साहब को मशवरा देना चाहता हूँ। मेरे भाई हैं, मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम एंड फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी नाजरीन सुन रहे हैं, ये बड़े लकी लोग थे कि जिनको किसी तरीके से भी जैसे भी चांस मिल गया ये इक्तदार में आ गए। नंबर वन, आसिम भाई मेरी बात सुन लीजिए। नंबर टू, इनको कोई ऐसा इनको सीमल इनको कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस ही नहीं मिले। पीपल्स पार्टी को और हमें तो दहशतगर्दी मिली थी, इनके पास काम करने के लिए बहुत वक्त था। अभी 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है, मेरी बात सुने, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। इन्होंने 1 करोड़ नौकरी देनी थी, 40 लाख बनती थी, वो कहां पे गई है? वो उसकी वजह से लोग बाकी निकाले गए हैं। इन्होंने जो 50 लाख घर देने थे, 2 सालों में 20 लाख बनते थे, वो किधर गए हैं? तो इसलिए मेहरबानी फरमाकर लोगों को सच बताएं। आप देखेंगे एक तारीख और मौरख जब ये लिखेगा ना ये सारी दास्तान, तो देखेंगे आपके लिए वो क्या लिखता है। आसिम भाई, ये आप भी, मैं आपसे बेवास कह रहा हूं, प्लान्स थे वो अभी तक नजर नहीं आए हैं। बात आपकी चले, अभी ये कहने के वो अभी कुछ नहीं है, छोटा सा जवाब है। अच्छा, अब उधर एक छोटा सा जवाब मैं सिंधु साहब को एक दूं। इन्होंने कहा कि हमें बड़े खुशकिस्मत थे, हमें दूध की नहरें बह रही थी और जनाब हवाएं चल रही थी जब हमें हुकूमत मिली। लेकिन आसिम साहब, मैंने इंडिकेटर सिर्फ बता दूं, जिस वक्त हमें हुकूमत मिली करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 20 अरब डॉलर पे पहुंचा हुआ था, $20 बिलियन, ठीक है, उसको कम करके आज हम $3 बिलियन पर लेकर आए हैं। जिस वक्त हमें हुकूमत मिली सिर्फ 15 दिन के फॉरेन रिजर्व रह गए थे आपके पास, कितने? सिर्फ 9 से 10 अरब डॉलर के, उसको हम बढ़ा के 18 अरब डॉलर पर लेकर आए हैं। जिस वक्त आपको हुकूमत मिली वी वर ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, $10 बिलियन की, मैं सिर्फ आपको बताऊं $10 बिलियन की जो किस्त थी वो अब हमने दी। सबने देखा इन्फ्लेशन, मैं आपको जो बड़े ठीक सबने देखा, काम कर रही है बिजनेस का देर। मैं सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस कर रही हूं कि हम अगर पंजाब के ऊपर बात करें, और सिंधु साहब मेरा आपसे सवाल भी यही था कि हेल्थ बजट में जो कट लगाया जा रहा है, आप एक्स मिनिस्टर हेल्थ भी रहे हैं, आप समझते हैं कि हमारे हेल्थ रिसोर्सेज पंजाब में बड़े लिमिटेड हैं,
तो क्या उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐसा हेर फेर नहीं होना चाहिए था, जिस तरह सब लोग कहते हैं कि ये अवार्ड्स का हेर फेर है, कि हेल्थ के ऊपर फोकस भी रहता, यहाँ तो कट लग गया 11%। देखिए सीमा और अबूजा साहब, आसम भाई को मैं कहना चाहता हूँ कि ये इनके दरमियान जो तजाद है ना, कंट्राडिक्शन है, ये डायरेक्शन लेस जो है, इनकी जो मैडम है वो कुछ और कहती हैं, जो मिनिस्टर साहब हैं वो लॉकडाउन, आज भी इन्होंने लॉकडाउन की समरी दी थी प्राइम मिनिस्टर को, वो समरी मेरे पास है अभी इस वक्त, और उन्होंने इनकार कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने, नंबर वन। नंबर टू, इनको देखें, इनकी किसी किस्म की कोई मतलब, ये बजट जो है, अब सिंपल सी छोटी सी बात ले ले, शौकत खानम वेरी गुड हॉस्पिटल, लेकिन वो ट्रस्ट है, वहां पे जब ये टेस्ट फ्री नहीं करेंगे अपने ट्रस्ट के हॉस्पिटल में और चकताई में जाए तो 8000 का टेस्ट गरीब आदमी करवाएगा। पूरे पाकिस्तान में अगर सबसे महंगा टेस्ट है वो शौकत खानम में, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस गवर्नमेंट, शौकत खानम का। सिंधु साहब मत बात करें इस पर, दैट हैज नथिंग टू डू विद इट, भाई जवाब देने में काम होता है, उसको हम गवर्नमेंट से रिलेट नहीं कर सकते। आगे बढ़े, शौकत खानम का जवाब दूं, मुझे ये प्रॉब्लम है जब इनके पास आप देखिए, ये जो इंजेक्शन आया है, पता नहीं उसका फायदा है कोई साइड इफेक्ट है या इफेक्ट है, जो 28000 का इंजेक्शन था वो 4 लाख में बिके। सिंधु साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पर। अच्छा देखें, इस हद तक मैं इनसे एग्री करता हूँ कि ये इस वक्त माफियाज का दौर दौरा है, और गवर्नमेंट से बिल्कुल फेल हो चुके हैं। दो तीन चीजों में नोट किया, जिस तरह आपने चीनी के ऊपर कहा कि माफिया सामने आई, आटे के बोरान सामने आया, उसके प्राइस आई, अद्वियात का आया, अब इसका क्या इसका हल था? इसका हल यह था कि गवर्नमेंट की तरफ से एक विल शो की जाए और फ्रॉम द टॉप ऑफ द गवर्नमेंट एक मैसेज दिया जाए कि नाउ वी आर नॉट गोइंग टू स्पेयर। इसका हल ये था, इसका ये था कि इनको पकड़ा जाता, सजाएं दी जाती, सिर्फ बातें ना की जाती। अच्छा अब इधर एक मिनट, नहीं अब इधर मैं आपकी बात, टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया, आखिर जुमला मैं कह लूंगा कि इसके लिए सबसे पहले आपने तहकीकात करके अपने इदारों को पीछे लगाना था। वजीर आजम की डिस्क्रिप्शन नहीं होती कि आपको पकड़ के जेल में डाल दे, वजीर आजम अदालतों के तहत, न्याय के तहत, एफआईआर के तहत, आपका कानून है ना, डेमोक्रेसी है, आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, गवर्नेंस का काम होता है, सेक्रेटरी का काम होता है, की बात नहीं करते, नुक्ता चीनी की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, सिंधु साहब बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। आसिम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। अब जब आज बजट आएगा तो फिर उसमें देखेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक्चुअली किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है, चाहे हेल्थ है, एजुकेशन है, या इसके साथ साथ डेवलपमेंट, या सिर्फ बातें होंगी। बजट आज पेश हो जाएगा, फिर हम कल इस पर बात कर रहा, बजट को रिलीफ मिला या नहीं, अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। वेलकम बैक, और जैसे कि हम रोजाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं कि आपको ये बावर करवाएं कि कोरोना SOPs को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब ये है कि हुकूमत भी अब थोड़ी सी डर गई है, हुकूमत भी कह रही है कि थोड़ा सा घबरा जाएं आप लोग, क्योंकि इस तरह से अगर रहा तो जून में केसेस 3 लाख तक जा सकते हैं और जुलाई में केसेस 12 लाख तक आ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वफाकी वजीर असद उमर साहब ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है, और उन्होंने कहा है कि जिन इलाकों में केसेस ज़्यादा आएंगे वहाँ टारगेटेड लॉकडाउन किया जाएगा, पूरा मुल्क लॉकडाउन नहीं कर सकते, मुतहम्मिल नहीं हो सकती हमारी मईशत कि हम उस तरफ जाएं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो रीसेंट इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, जो रिसर्च आई है, उसमें लोग अगर मास्क पहनेंगे तो 50% तक हम इसके इंपैक्ट को कम कर सकते हैं, यानी कि SOPs को फॉलो करना है, आपने हाथ 20 सेकंड तक धोने हैं, डिसइंफेक्ट वाटर का इस्तेमाल करना है, आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सादे साबुन से अपने हाथ 20 सेकंड तक धो लीजिए तो आप जरासीम से बच सकते हैं। हजूम वाली जगह पर अगर आप जा रहे हैं तो उसका मास्क का इस्तेमाल करें और थोड़ा सा डिस्टेंस जो है उसके ऊपर जरूर फोकस करें, समाजी फासले जो हैं वो इस वक्त जरूरी हो चुके हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 5248 हैं, 97 डेथ्स हुई हैं, और मुझे अच्छे से याद है कि फ्राइडे वाले दिन जब हम अपना लास्ट शो कर रहे थे लास्ट वीक, तो हमारे केसेस की तादाद जो थी वो 1,25,000 के करीब थी, और आज मैं सुबह देख रही थी 1,44,000 प्लस केसेस जो हैं वो हो चुके हैं, कि ओवर द वीकेंड आप देखें करीबन कितने ज्यादा केसेस जो हैं वो सामने आए, कल तो 6800 तक पहुंच गए थे, सो दिस इज अलार्मिंग एंड वी नीड टू टेक इट सीरियस। बिल्कुल, और हमें अगर सीरियस नहीं लेंगे तो फिर क्या होगा कि मजीद इलाके सील होंगे, मजीद आपकी जिंदगी भी मुश्किल होती जाएगी, इसलिए आप अभी भी SOPs को फॉलो कर लें। और अगर बात करें हम हेल्थ फैसिलिटीज की,
तो वो भी कुछ खास हमारे पास नहीं है, वो भी आपके सामने है कि हॉस्पिटल्स में आईसीयूज में जगह अब नहीं रही है। और ये गुज़िश्ता रोज़ भी पीएम अस्पताल में आके पेश आया कि अपोजिशन लीडर है आज़ाद कश्मीर से चौधरी यासीन साहब, उनको काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब हुई तो वो इस्लामाबाद में मुंतकिल उन्हें किया गया, वहाँ पर भी अस्पताल में वेंटिलेटर मौजूद नहीं था। तो ये है सूरत हाल। इसके अलावा बहुत से पार्लियामेंटेरियंस हैं जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से डॉक्टर्स हैं, पी टी आई के एम पी हैं वसीम खान, उनको भी कोरोना हुआ और वो भी अभी भी अस्पतालों में या फिर अलग से एसओपीज को फॉलो करने की वजह से। वफाकी वजीर शेख रशीद भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनकी तस्वीर भी आ रही थी। तो ये कल एक लाहौर से लाहौर में है, मियो अस्पताल में डॉक्टर थे, डॉक्टर बासित वो इंतकाल भी कर गए हैं। तो मतलब ये मामला आ रहा है सामने, इंतकाल भी लोग कर रहे हैं, इसके अलावा मजीद परेशानी भी आ रही है, आई सी यूज में वेंटिलेटर्स नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि मजीद हमारे लिए परेशानी बढ़ेगी। तो इसलिए एक ही हल है, एस ओ पी को फॉलो करें, एस ओ पी को आप फॉलो करें। फिलहाल हम चूँकि इस्लामाबाद की सूरत हाल के हवाले से भी बात कर रहे थे, वहाँ पर लॉकडाउन इस तरह से किया जा रहा है कि जिस एरिया में 200 से 300 केसेस के करीब, यानी कि केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उस पूरे के पूरे एरिया को सील कर दिया जा रहा है। और सील से मुराद ना कोई उस एरिया में दाखिल हो सकेगा ना ही बाहर जा सकेगा। मेक श्योर किया जा रहा है कि तमाम लोग अपने घरों में रहें, एस ओ पीज़ को फॉलो करें, ताकि उस एरिया को, ये बेसिकली सैनिटाइज का प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट पार्शली अब करना चाह रही है, एरिया टू एरिया डिफर करके जोन टू जोन उसको डिवाइड किया जाएगा। पिम्स हॉस्पिटल एक मेन हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, वहाँ पर पेशेंट्स की सूरत हाल क्या है, हेल्थ रिसोर्सेज की सूरत हाल क्या है, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, वो क्या समझते हैं अपनी मेडिकल ओपिनियन में, हमें क्या बताना चाहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। तर्जुमान हैं पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर वसीम ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम मैडम। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने जिक्र किया कि अस्पतालों में गुंजाइश अब कम है, मरीज़ बढ़ रहे हैं, एक ही हल है एसओपी को फॉलो करना, नहीं करेंगे तो मजीद अस्पतालों के ऊपर बोझ पड़ जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह से देखा गया, आप इन अस्पताल में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में G92 G93 को सील भी किया गया है, मतलब केसेज बहुत बढ़ रहे हैं इस्लामाबाद में भी, तो क्या कहेंगे, क्या इस वक्त मसाइल हैं अस्पतालों में आपके? जी हाँ बिल्कुल, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के इतने ज़्यादा मसले मसाइल नहीं है हमारे पास। हमारा आइसोलेशन वार्ड हमने 40 बेड और बढ़ा दिए, 100 से ज़ायद कर दिए, ऐसे तो हमारे पास 66 जो है वो पेशेंट दाखिल हैं, और जो वेंटिलेटर पे हैं वो 18 के करीब हैं। और सबसे अहम बात भी, आपने जिस तरह वेंटिलेटर की बात की है कि वेंटिलेटर नहीं मिल रहे आगे पीछे, तो सबसे अहम बात यह है कि आप ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स करें, SOPs को फॉलो करें, ताकि आपको ना दाखिले की ज़रूरत पड़े ना आपको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। क्योंकि जो वेंटिलेटर पे जाते हैं वो समझ लें कि अब बचना बहुत ही नामुमकिन होता है, क्योंकि अगर बचता भी तो 1% बचता है, जितने मर्जी आप वेंटिलेटर कर लें, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए, लोगों को चाहिए जिस तरह मैडम ने बताया प्रिवेंटिव मेजर जो है वो आपने रखने हैं, और ताकि आपको ज़रूरत ही ना पड़े दाखिल होने की। हाँ, अगर आप दाखिल भी होते हैं तो अभी हमने बेड्स भी बढ़ा दिए हैं और इंशाल्लाह हम और भी बढ़ा देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी नौबत ही ना आए, ताकि बस SOPs प्रॉपर फॉलो करें, प्रॉपर गिज़ा इस्तेमाल करें, अल्लाह ताला का नाम लें, और इसके अलावा कुरान पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, बिल्कुल अपने ईमान को मजबूत करें, ये तो बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि वेंटिलेटर से जी बोलिए बोलिए बात कंप्लीट कीजिए अपनी। और लोग कई लोग ऐसे हुए जो बीमारी से नहीं मरे, वो टेंशन डिप्रेशन से मर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा प्लस पॉइंट ये है कि आप देखा जाए ना, पूरे साल में लाखों लोग मरते हैं पूरी दुनिया में मुख्तलिफ बीमारियों से, जो सबसे ज़्यादा है, जो बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि डेथ परसेंट बाकियों में ज़्यादा है, इसमें कम है, लेकिन मसला यह है कि यहाँ पर पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ डेथ्स नहीं है, इसलिए लोगों को चाहिए टेंशन डिप्रेशन में ना जाएं, ताकि उससे नुकसान उनको ज़्यादा होता है। बीमारी से 90% को कुछ पता नहीं चलता, कोई वैसे घूम फिर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, उनका टेस्ट कराओ तो उनका पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए उसका कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने SOPs फिर भी फॉलो करना है, आप में कोई लामते नहीं है, तब भी आपने ऐसे स्टेप लेना है कि आप दूसरों से भी अलहदा रहें, ताकि हमसे भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, दूसरों से भी आपको प्रॉब्लम ना हो, चाहे कोई सिम्टम है या नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी आपने जो है ना वो फॉलो करना है। वेंटिलेटर की जरूरत ही ना पड़े, सब लोग ये दुआ करें, लेकिन क्या वेंटिलेटर से वापसी जो है वो इतनी मुश्किल है? मतलब खुदा ना खास्ता किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप तो ऑक्सीजन दी जाती है, उसके बाद वेंटिलेटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पिम्स में अभी तक कितने पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर्ड हो चुके हैं, और कितने पेशेंट्स थे जिनको वेंटिलेटर पर डाला गया था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अब रिकवर कर लिया?
देखिए वेंटिलेटर भी अभी भी 20 लोग हैं और वेंटिलेटर ऐसी चीज़ है कि जिसपे बचना बड़ा मुश्किल होता है, वही कह रहा हूँ दोबारा बचना मुश्किल होता है। अभी तक तकरीबन टोटल जो है 40 के करीब जो है पेशेंट्स की डेथ हुई है, जिसमें आइसोलेशन वार्ड के भी बंदे शामिल थे और इसके भी शामिल थे वेंटिलेटर वाले भी, यानी कि जो वेंटिलेटर पर नहीं है उनकी भी डेथ हुई है, क्योंकि वो ज़्यादा तकलीफ हो जाती है जिनको अलामत होती है सांस की, सांस में मुश्किल होती है, हार्ट का मसला हो गया, वो उस हिसाब से उनको वेंटिलेटर पर जाते हैं, लेकिन वैसे भी दूसरे जो है वो वहीं पे दाखिल रखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जो आपकी नोटिस में ये आया है मामला, अपोजिशन लीडर हैं आज़ाद कश्मीर असेंबली चौधरी यासीन साहब, गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में उनको वेंटिलेटर नहीं मिला, इस तरह से क्यों सिचुएशन आई कि आपने तो कहा है कि वेंटिलेटर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, पीएमएस अस्पताल की स्पेसिफिकली बात की जाए तो वहाँ पर भी हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि उनके लिए इस तरह से सूरत हाल बना? उसमें यह है कि जितने वेंटिलेटर हैं ना सब पे पेशेंट्स हैं, 18 वेंटिलेटर्स हैं, इसके अलावा बच्चों के अलग हैं, आईसीयू दूसरी है, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, कार्डिक आईसीयू, उसमें भी वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं इसलिए कोरोना के जो है ना पेशेंट जितने भी आ रहे हैं जो बहुत सीरियस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो वेंटिलेटर वाले जो है सारे वेंटिलेटर। आप ये बता रहे हैं कि पीएमएस हॉस्पिटल में जितने वेंटिलेटर्स हैं वो तमाम के तमाम ऑक्यूपाइड हैं, खुदा ना खास्ता मजीद कोई क्रिटिकल पेशेंट आ जाए तो उसके लिए वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को चाहिए कि हम और भी वेंटिलेटर मंगा रहे हैं, लेकिन बात वही है कि वो दोबारा फिर ये कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि SOP फॉलो करें ताकि वेंटिलेटर की दाखिले की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि वेंटिलेटर का ये मतलब नहीं है कि अब 100% आप बच जाएंगे, ये पक्की बात है, बहुत कम चांसेस होते हैं वेंटिलेटर पर जाकर बचने की, बहुत कम चांसेस होते हैं। अच्छा, इसमें अबू सर आप ये भी देखिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, कि ओवरऑल हम पाकिस्तान से जब बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स की जो प्रिकॉशनरी किट्स हैं उनको जो सामान फराहम किया जा रहा है उसके हवाले से भी काफ़ी प्रोटेस्ट होता रहा पूरी कंट्री। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब ये जो मामला है जिस तरह से हम जिक्र करते रहते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास PPE किट्स नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है प्रॉपर तरीके से, अब आप बताएँ कि PIMS में क्या सूरत हाल है, क्योंकि शिकायत तो वहाँ से भी आ रही हैं। हाँ जी, देखो शिकायत तो पूरे मुल्क से आ रही है, और यहाँ पे पहले ये था कि जो आइसोलेशन वार्ड है जहाँ कोरोना वाला आते हैं वहाँ पे पूरी हर तरह की चीज़ें दी हुई थी डॉक्टर को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सिक्योरिटी वालों को, लेकिन बाकी जगह पे थी लेकिन टिपिकल ये वाली नहीं थी, प्रिवेंटिव में ये सारे ही थे, लेकिन मसला ये है कि जो बीमारी होती है कोई मरीज़ आ रहा है, कोई दिल, इसके अलावा कोई दिमाग का आ रहा है, कोई जिगर का आ रहा है, उसमें प्लस ये पॉइंट भी हो सकता है कोरोना उसको हो गया, साथ ही डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, प्रिवेंटिव मेज वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना बीमारी शिफ्ट हो जाती है, डॉक्टर्स भी, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ भी पूरे पाकिस्तान में वो इन्वॉल्व है, प्रिवेंटिव मेज वो भी कर रहे हैं, अभी और भी आ गए हैं, सारा कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, हमारी जो कोरोना वायरस की जो हेड है वो भी रोज़ाना आती है कोरोना पेशेंट को देख रही है, हेड भी है, प्रॉपर प्रिवेंटिव मेजर्स कर रही थी, बिल्कुल वो प्रॉपर उसने हर चीज़ पहनी थी, कोई चीज़ कमी नहीं थी, लेकिन उसको भी कोरोना पॉजिटिव आ गया। तो उसमें ये कहना चाहूँगा कि पॉजिटिव होना और बात है, तकलीफ होना और बात है, और पेचीदगी होना और बात है, बिल्कुल 90% को पता भी नहीं पड़ा, बिल्कुल, इसलिए इस चक्कर में आप लोगों को फिर भी कहूँगा कि आपने टेंशन नहीं लेनी, किसी को बीमारी है या नहीं है, टेंशन और डिप्रेशन से आपने बचना है, प्रॉपर एक्टिविटी आप रखें, बैलेंस डाइट लें, वॉक शॉक जो भी एक्सरसाइज वगैरह करें और TV देखें, सब कुछ करें, लेकिन टेंशन डिप्रेशन में ना जाएं, ताकि आप प्रॉपर आप देखते रहेंगे, एक्टिविटी रखेंगे तो टेंशन डिप्रेशन नहीं होगा, फिर बहुत बेहतर है, बिल्कुल बहुत बेहतर रहेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि PIMS में अभी तक कितने डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना का शिकार हुए हैं और कितने रिकवर कर चुके हैं, मैं डॉक्टर्स या नर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ की बात कर रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी रिकवर कर चुके हैं, सब कुछ मिला के नर्सिस पैरामेडिकल सब ला के 70 से ज़ायद हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का सब अभी सेहतमंद हो गए हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे और जो मरीज़ आ रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे। डॉक्टर साहब आपने जिक्र किया है कि आइंदा चंद दिनों में वेंटिलेटर्स आ जाएंगे, चंद दिन कितने हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब जिस तरह से इस्लामाबाद में हम सिचुएशन देख रहे हैं परेशानी की बात है, तो कितने दिन लगेंगे वेंटिलेटर्स आने में, ताकि अगर कोई आ जाए फिर वापस उसको वेंटिलेटर के बगैर ना भेजा जाए? देखिए वही बात वही आती है, देखो हमें किसी ने कहा जी फ्लाह से आएंगे, फ्लाह को चाहिए तो ले लें, लेकिन बात ये है अब जितने मर्जी वेंटिलेटर ज़्यादा ले हैं, ज़्यादा स्टाफ चाहिए, ज़्यादा डॉक्टर चाहिए जो इस काम में एक्सपर्ट हो, पहली बात ये, दूसरी बात अगर एक्सपर्ट भी है, चलो सारे अपने वेंटिलेटर यूज़ भी कर लिए, फिर वही बात करूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि 99% लोग वैसे ही नहीं बच सकते वेंटिलेटर पे आने से, इसलिए लोगों को चाहिए कि प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, अल्लाह को याद रखे ताकि इसकी नौबत ही ना आए ना। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग विद अस, एक चीज़ के ऊपर आपने बड़ा फोकस किया और लोगों को ये रियलाइज करने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत सी क्रिटिकल जो पेचीदगियाँ हो रही हैं इस बीमारी में वो
डिप्रेशन की वजह से हो रही है। ऐसे लग रहा है कि जो डिप्रेशन है वो बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम वीक कर देता है, और आप जब टेंशन लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी खराब होती है, इम्यूनिटी खराब होगी तो जो बीमारी है वो ज्यादा असर कर सकती है, उससे आप ज्यादा बीमार हो सकते हैं। तो एक ही हल है कि आप टेंशन ना लें, अगर कोरोना आपको पॉजिटिव हो गया तो डोंट वरी, आप घर पे आइसोलेट करें, अपना ख्याल रखें, खुराक ठीक रखें, तो इंशाल्लाह आपको कुछ भी। बिल्कुल, और मैं आपको ये भी बताऊं कि हम जो बात कर रहे हैं कि 1,44,000 प्लस केसेस आ गए, वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह 51,000 प्लस लोगों ने रिकवर भी किया है, तो इसका रिकवरी रेशो बहुत अच्छा है। बी पॉजिटिव, सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है खुदारा कि अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं अपने आप को आइसोलेट कर लें, सिम्टम्स नहीं भी आ रहे तो SOPs को फॉलो करें, हाथ धोएं, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस करें, दैट्स इट। ये तीन चीजें हैं जिस पर अगर आप फोकस करेंगे तो हालात आपके कंट्रोल में रहेंगे। अब एक ब्रेक पर मिलते हैं। सत्तर साल से हमने मिलकर अपने घरों को जरासीम से महफूज रखा है। इस वक्त का तकाजा है कि हम ये आदत बरकरार रखें, अपने घरों और जमीन को जरासीम से साफ रखें ताकि तहफ्फुज़ दे सकें अपने प्यारों को। डेटॉल, COVID-19 वायरस के खिलाफ मुअस्सर। जब चीजें सटकने लगें तो पटकने से नहीं चलती, तो फिर अभी डाउनलोड करें दराज ऐप और एंजॉय करें मोबाइल बिल 15 से 21 जून तक जहां अवेलेबल है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अक्सर जिक्र करते हैं कि हमारे माशरे में हमारे रवैये किस तरह से होने चाहिए, खुसूसी तौर पर जो वालिदैन के साथ हमारा रवैया है वो कैसा होना चाहिए। हमारे मज़हब में भी यही है कि वालिदैन की हमेशा इज्जत करें, उनसे एहतराम अदब करें उनके साथ, और कभी उनको उफ तक ना कहें। इसी तरह जो आपके बुज़ुर्ग दीगर हैं फैमिली में कोई भी हो सकता है, उनके साथ अच्छा रवैया रखें, तो ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये हमें कहना पड़ता है कि बहुत सी ऐसी हम खबरें ऐसी में देखते हैं कि जिसमें हमने देखा है कि वालिदैन हो या बुज़ुर्ग आपके फैमिली में कोई भी हो, आप ये मैं हर एक को नहीं कह रहा, ऑब्वियसली परसेंटेज नहीं है, लेकिन हर 6 में से 1 शख्स के साथ जो है वो जो बुज़ुर्ग है उसके साथ रवैया बुरा रखा जाता है पूरी दुनिया में, जो कि 14 करोड़ से ज़्यादा लोग बन जाते हैं अगर पूरी दुनिया का हिसाब लगाया जाए, और ये वो लोग हैं जो कि रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अबुज़र, और इसके साथ साथ मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम बहुत सी अच्छी चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज से अडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, अपना लेते हैं, वहीं पर बहुत सी ऐसी ख़राब चीज़ें जो हमारे कल्चर से रिलेटेड नहीं है वो भी हम उनसे ऑप्ट कर लेते हैं। और उसमें एक बड़ी मिसाल ओल्ड एज होम्स की है, कभी ये कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे इस्लाम में, हमारे रिलीजन में कभी कहीं इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है कि ओल्ड एज होम्स जो हैं मौजूद हों, लेकिन उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हमारी सोसाइटी में जो हमारा कल्चर है हम अपने दीन से भी दूर हो रहे हैं, अपने कल्चर से भी दूर हो रहे हैं। बुज़ुर्ग तो घर की रौनक होते हैं, उनका साया तो रहमत की तरह होता है उनके पास। शायद आजकल की नस्ल ये सोचती है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने बहुत एजुकेशन हासिल कर ली, लेकिन उनका जो तजुर्बा है ज़िंदगी का उसके साथ किसी चीज़ को भी, किसी भी डिग्री को कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो बजाय इसके कि हम उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके तजुर्बे से सीख कर अपनी एजुकेशन को शामिल करते हुए कुछ बेहतर करें, हम दूसरी तरफ निकल जाते हैं जिसमें एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जैसे दिन सेलिब्रेट पाकिस्तान में भी अब करने पड़ते हैं, दुनिया भर में तो ये किए ही जा रहे हैं। इस पर आज हम बात करेंगे, हमारे साथ सहारा विलेज ओल्ड एज होम से अकबर अली राणा साहब मौजूद होंगे, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच अकबर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वर्ल्ड एल्डर्स अवेयरनेस डे, अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि दुनिया भर में तो ये दिन मनाया जाता था लेकिन अब पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है, और उसकी वजह बुजुर्गों के साथ सलूक है, और उसकी उसका जो सबूत ओल्ड एज होम्स की सूरत में मौजूद है। जी सबसे पहले तो 24 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि एक अहम मसले पे आज हमें लाया गया, बहुत शुक्रिया। सहारा फाउंडेशन से हम बात कर रहे हैं, अख्तर अली राणा हमारा सीनियर सिटीजन सहारा ओल्ड एज होम है जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा लोग हमारे पास मौजूद है। हेलो जी, जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिएगा। जी देखिए सबसे पहले तो ये जो लोग छोड़ के जाते थे अपने वालदैन को, वो ये कहते थे कि इनका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है जी, तो इसलिए ये घर परेशान करते हैं, तो आप इन लोगों को अपने पास रखें, या अच्छा। किसी न किसी मजबूरी की वजह से छोड़ के जाते थे, तो हम कहते हैं ठीक है, तो कभी ना कभी इनको लोग मिलने आते थे, इनके अपने भी आते थे, कराची की तमाम यूनिवर्सिटीज के
जो स्टूडेंट हैं वो इनको मुलाकात करने आते थे, जिससे इनकी हौसला अफजाई होती थी और ये लोग खुश होते थे। इनको अपनी का जो है वो नहीं होता था कि हमारे अपने दूर है, क्योंकि कुछ लोग आते थे मिलने। जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, जब से हम लोग बिल्कुल लॉकडाउन में गए हैं, हमने अपने दरवाजे बंद कर दिए, कोई इनसे मुलाकात नहीं करने आता, कोई इनका फोन नहीं अटेंड करता और डॉक्टर्स तक जो है वो इनसे मुलाकात नहीं करते, क्योंकि जाहिर इनको बीमारियां होती हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कोई शिजोफ्रेनिया की बीमारी है, कोई मुख्तलिफ बीमारियों में होते हैं, तो ट्रीटमेंट इनकी ज़रूरी होती है। अब पिछले दिनों में एक हमारे पास 65 के एज के बुजुर्ग थे, उनका वो सांस का प्रॉब्लम था, हम हॉस्पिटल ले गए जना, उन्होंने फौरन बाहर से कह दिया इनकी कोरोना टेस्ट कराओ, ठीक है। वहां से लियाकत ले गए, उन्होंने कहा कोरोना टेस्ट लिए लिए, फिर तेरे आखिर वो जिंदगी हार चुके। तो ये कि थोड़ा ये फासला है, ये जो समाजी फासला है ये बहुत ज्यादा इन लोगों के लिए खास कर। लेकिन अकबर साहब, आपने जो जिक्र किया है ये प्रॉब्लम्स का, ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम वाकई है और कोरोना की पूरी दुनिया में इस वक्त प्रॉब्लम है। अब क्या किया जाए फिर, क्योंकि SOPs को भी फॉलो करना है और उसके अलावा एहतियात भी करनी है, ख्याल भी करना है। तो आपके जो ओल्ड एज होम है सहारा विलेज, इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं ओल्ड एज में जो लोग आपके पास हैं, फिर वहाँ पर क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ आप देते हैं, किस हद तक दे पाते हैं, पर किन प्रॉब्लम्स का आपको सामना है? ये क्योंकि आपने जिक्र किया कोरोना की वजह से बहुत से मसाइल हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ आप क्या दे पाए अब तक? जैसे कि हमारे पास इस टाइम 300 लोग हैं टोटल, जिसमें 100 से ज़्यादा ओल्ड एज है, 200 मेंटली चैलेंजेस लोग हैं, और हमारे कराची में 5 सेंटर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोरोना का जो है इनका ये इनको साफ सुथरा रखा है, बस इनको प्यार मोहब्बत की जरूरत है, वो हम इनको दे रहे हैं। बाकी इनको सैनिटाइजर, मास्क, ये हर चीज हम लगाते हैं, मगर देखिए ये तो एक जगह रहते हैं, अब ये इदारे हैं। अच्छा, ये वो इदारे हैं, आप मुर्गी खाने को और इसको बराबर लगा लें, तो साथ साथ बेड लगे हुए हैं। अब जिस तरह ये गवर्नमेंट कह रही है कि इनका फासला रखे, कहाँ रखे, अब एक सेंटर में हमारे 100 से ज्यादा लोग हैं, अब वो कितने उसमें बैठ जाए और कितने लोगों को कितना फासला हम रख सकते हैं। बाकी हम इनकी केयर करते हैं, इनको देखभाल होती है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स होते हैं, वो हर चीज को हम देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस अरसे में हमारे पास कोरोना का कोई केस नहीं बना और तमाम लोग जो है कोरोना से महफूज है। बिल्कुल सही। अच्छा अकबर साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि इनको केयर की जरूरत है, लेकिन वहीं पर जितनी मर्जी आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दें, जो एक डिप्रेशन रहता है अपनों से दूरी का, वो तो मौजूद होता ही है। तो जो मुझे थोड़ा सा सिनेरियो बताइएगा, जो लोग अपने पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं, क्या बहुत संगदिल होते हैं वो? उन लोगों को शर्म नहीं आती है कि अपने माँ बाप को छोड़कर जा रहे हैं? फिर क्या वो रब्ता भी नहीं करते, क्योंकि जैसे आपने बताया कि कोई घर वालों से उनका रब्ता नहीं होता, टेलीफोन के जरिए तो रब्ता रखा जा सकता है ना? क्या आप उनके बच्चों को कन्विंस नहीं करते कि इस तरह की सिचुएशन जो है वो उनके पेरेंट्स के लिए कितनी नुकसानदेह होगी? देखिए जी, पहले नंबर पर तो रब्ता तो हम उनसे करते हैं, कोई फोन उठाता है नहीं, जिसका फोन सफेद हो जाता है तो वो तो मैयत भी हम 15-15 दिन तक उनकी सर्द पानी में रख देते हैं, तो उनका तो फोन सफेद हो जाता है। अब जिनके हैं उनके इश्यूज अपने घर में इतने ज्यादा होते हैं तो वो उनको फेस करना उनके लिए मुश्किल होता है। वो बजाय कि ये टिश्यू होता है जो उनका जो बुजुर्ग है वो उनसे, उनको उम्मीदें होती है कि हमें इनसे कोई फायदा नहीं है और ये बेकार चीज है, इसके लिए इसको इदारे में ही पड़ा रहने दे। बहरहाल कोशिश हमारी होती है कि इनके घर वालों से इनसे मुलाकात रखी जाए, इनसे बात करवाई जाए, मगर ऐसा तो घर वाले बात ना करना चाहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? अकबर साहब, आपने सही फरमाया कि अगर वो ही बात ना करना चाहे तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ओवरऑल आपने काफी देर से आप ये जो ट्रस्ट चला रहे हैं, इसमें आपने देखा कि नंबर ऑफ जो ये आपके ओल्ड एज के जो लोग आते हैं आपके पास, ये भी बढ़ गए, 300 तक पहुंच गया। आपने क्या देखा है कि मेन वजह क्या गुर्बत है, या मेन वजह जो बच्चों की बेहिसी है, या कोई और वजह आपको नज़र आती है जो इस तरह से अब केसेस ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं वायलेंस के, अब्यूज़ के, ओल्ड एज के साथ? ये बेहिसी भी इसको कह सकते हैं, और कल्चर में देखे हमारे जैसे पंजाब और कराची की मसाल हम देते हैं, पंजाब में ये जरा चीज है कि वो बुजुर्ग को अपने को बाहर नहीं छोड़ते, कुछ भी हो जाए वो चाहते हैं कि हम अपने घर में रखें, अपने बुजुर्ग की खिदमत करें आखिरी टाइम में। यहाँ पे ये चाहे क्योंकि काफी कौमें रहती हैं और काफी दूसरे ममालिक के भी लोग यहाँ रहते हैं, और यहाँ कल्चर कुछ ऐसा है कि कुछ लोग ज्यादातर दुनिया मुल्क से बाहर जा चुके हैं, उनके बच्चे वो घर बार बेच के वो वहाँ चले जाते हैं प्रॉपर्टी अपने नाम पे,
ज्यादातर केस ये है मेरे पास प्रॉपर्टी जो थी बच्चों के नाम पे कर दी, अब बच्चे मुझे तवज्जो नहीं दे रहे, अब काम खत्म हुआ तो फिर तवज्जो नहीं रही। तो ये सिनेरियो आप देखते हैं, लेकिन वहीं पर अकबर साहब हमें तो आज के दिन की मुनासिबत से ये अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए ना कि वालिदैन और घर के बुज़ुर्ग जो हैं वो घर के लिए किसी रहमत से कम नहीं होते, और ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और फिर दुनिया मकाफात अमल है, जैसा सलूक आप अपने बुज़ुर्गों के साथ करेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। आने वाले वक्तों में अगर आप जिंदा रहे तो वैसा ही सलूक आपकी औलाद करेगी आपके साथ। जी बिल्कुल, ऐसे ही एक छोटी सी मिसाल है, एक ओल्ड एज होम में अपने वालिद को छोड़ के गए थे और कुछ अरसे बाद ओल्ड एज वालों का फोन गया कि आपका बाप बहुत सख्त बीमार है, आके इनको मिल लो। तो जब वो आए तो बाप ने उनको बोला कि भाई देखो बेटा मैं तो मर रहा हूँ, आप ये के ये सदारे की मदद करना। उन्होंने कहा बेटा आप तो मर रहे, अब्बा जी आप तो मर रहे हैं, हम इस अदारे की क्यों मदद करें। उसने कहा बेटा मैं तो गर्मी में गुजार दी है, इस अदारे में पंखे लगा दीजिएगा या पंखों की कमी है, क्योंकि मैं तो मर जाऊंगा, मेरे बाद आप आएंगे, मैं नहीं चाहता मेरे बाद गर्मी में यहाँ पे रहे। अफसोस की बात है कि एक बाप अपनी औलाद से इस तरह की कॉन्वर्सेशन कर रहा है। अकबर साहब, कोई आप हमारे लोगों को जो कि आपने इतने करीब से इन लोगों के दुख देखे हैं, इनकी परेशानियां देखी हैं, इनके मसाइल आपने देखे हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं हमारे माँ बाप हैं या जो भी हमारे बुजुर्ग हमारे घर में होते हैं, अगर हम उनके साथ ऐसा सलूक करें तो फिर कितना ही अफसोस का मकाम है, हमें शर्म आनी चाहिए। हमारे ऐसी सोसाइटी में ऐसे लोग अभी भी हैं, लेकिन एनी वेज होता है, तभी तो इस तरह से ओल्ड एज होम बनते हैं। क्या देंगे आप लोगों को कि क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए? हेलो जी अकबर साहब आप तक आवाज आ रही है? जी आप आ रही है। अकबर साहब मैंने आपसे पूछा है कि आप जो कि आपने इतने ज्यादा केसेस देखे, ये मामलात आपने देखे, अफसोस होता है इस तरह के सारे वाकया सुनकर, क्या मैसेज देंगे लोगों को आपके किस तरह से रवैया होना चाहिए, और क्या इसकी वजह है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग समझ में तो आती है कि वो उनके पास वसाइल नहीं है। मेरे पास ऐसी सी शख्सियत है, मैं आपको बता नहीं सकता इस प्रोग्राम में कि ऐसी ऐसी शख्सियत आई है जिनको मैंने अपने हाथ से दफनाया। बहुत चीफ एग्जीक्यूटिव के लोग, वो अभी भी मेरे पास सेक्रेटरी लेवल डायरेक्टर लेवल के लोग एडमिट हैं, चेयरमैन लेवल के लोग एडमिट हैं, जिनकी आंखें नहीं है, कान नहीं है, बेचारे नजर से गए, बुजुर्ग है। आप देखो इन्होंने 50 साल इस मुल्क के लिए खिदमत की है, तो अपनी औलाद को भी बना सवार के दिया है, मगर आखिरी टाइम जो उनका वो हमारे पास है। मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर जो भी बुजुर्ग हैं समझदार, वो चाह रहे वो जो आप जो अपना सरमाया है वो कुछ अपने लिए रखे, अपने लिए कुछ करके रहे, ताकि ये के कल वो सरमाया की वजह से भी जो है ना औलाद को उनको वालिद को नहीं छोड़ती, बिल्कुल इनके पास कुछ है तो हम इनके साथ रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं अकबर साहब। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और सहारा फाउंडेशन को हिम्मत दे कि वो हमेशा ये प्लेटफॉर्म जो है वो खुला रखें उन लोगों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं होता। लेकिन मैं दुआ करूंगी कि गैर आबाद हो जाए ओल्ड एज होम, उसकी वजह ये है कि अगर हमारे बुजुर्ग हमारे घरों में रहेंगे तो ज्यादा उस चीज को अच्छा भी समझा जाएगा और डेफिनेटली आपकी फाउंडेशन भी उस पे प्राउड फील करेगी। थैंक यू सो मच। आती है कि ये आपने ओल्ड एज होम क्यों बनाया है, आप देखें उनसे मैं ये सवाल करता हूँ कि अगर ये ओल्ड एज होम नहीं होते तो ये लोग कहाँ जाते? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शुक्रिया अकबर साहब। और जिस तरह से सीमन आपने जिक्र किया ना कि ये गैर आबाद हो जाए, और जो जो इधर आबाद तो बेसिकली हमारे घरों की रौनक है, हमारे घरों की बरकतें हैं, तो ये लोगों को एहसास करना चाहिए। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने बोला है कि जो लोग अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद अपने बच्चों के नाम पर लगा देते हैं, फिर उनमें ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देखे गए हैं। साथ ही मतलब खत्म हुआ तो औलाद ने अपने वालिदैन को जाकर ओल्ड एज होम में। बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसी ही खबर जो अभी कुछ दिन पहले मैंने देखी 24 पे, जब वो ब्रेक हुई तो यकीन जानिए दिल फट गया कि एक बेटे ने अपने बाप को जो कि सरकारी मुलाजिम था कत्ल कर दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उसकी जगह पर सरकारी मुलाजमत लेना चाहता था। आप सोचिए सोसाइटी किस तरफ जा रही है, एंड नाउ इज द पॉइंट जब हमें रीथिंक करना है अपनी प्रायोरिटीज को और अपने डिसीजंस को। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में सिमरन बहुत टैलेंट है, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि अगर इसको सिर्फ फाइन किया जाए तो ये टैलेंट पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। बेशक। और इसमें कोई शक नहीं है कि रॉ टैलेंट पाकिस्तान में जितना है, और उसकी वजह ये नहीं है कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है या कोई बहुत टैलेंटेड है, कोई आई टी एक्सपर्ट है, वो कोई एक आम सा शख्स भी हो सकता है जिसके हाथ में कोई हुनर हो और वो फिर हुनर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। आई थिंक ये क्रिएटिविटी का ताल्लुक जो है वो आपके हाथ से और आपकी दिमाग से होता है। तो ये आप देखिए, ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये ट्रक आर्ट है, ये बस आर्ट है जो हमारे यहाँ पर लोग करते हैं, बड़े प्राउडली करते हैं, ना सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाते हैं इससे, बल्कि ये वो ट्रक आर्ट है जो दुनिया भर में डिस्कस होता है। ये वो कलर्स हैं जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी दुनिया भर में पाकिस्तान अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए किसी एग्जीबिशन में या कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ पर एक हिस्सा इस ट्रक आर्ट से रिलेटेड ज़रूर होता है, जिसमें अक्सर हम कहा जाता है कि वो टीपू यार या पप्पू यार तंग ना कर, कुछ स्लोगन्स होते हैं ट्रक आर्ट के जो आप जबान में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए शेर व शायरी ट्रक पे, मुझे तो बड़ा शौक है, मुझे पर्सनली बड़ा शौक है। बड़ी जबरदस्त शायरी होती है, तस्वीर बड़ी जबरदस्त बनाते हैं, उसके बाद फिर मैसेजेस बड़े इसमें बड़े बेहतरीन मैसेजेस भी होते हैं, और मैसेजेस में आपको कई दफ़ा बड़ा ज़िंदगी का एक टफ मैसेज भी मिलता है, ज़िंदगी की बड़ी सोच भी मिलती है, और कई दफ़ा आपको वो फनी मैसेजेस भी होते हैं। तो बेसिकली कोई एक फेमस ट्रक स्लोगन ज़रा सुनाएं, आपका फेवरेट कोई हो तो। नहीं, मेरा फेवरेट नहीं, लेकिन अक्सर मैंने देखा बहुत ज़्यादा है कि बर्दाश्त कर या पास कर, ये होता है, या जलने वाले तेरा मुँह काला, ये काफ़ी मतलब मजा आता है ना। वो पंजाबी में अक्सर ये लिखा होता है, आंदे आंदे जानदे जानदे, वो हारन दे के तंग ना कर, मतलब इस तरह की चीजें। और शायरी तो वो भी बड़ी जबरदस्त होती है, खैर वो अभी याद तो मुझे नहीं है, लेकिन वैसे बड़ी जबरदस्त शायरियां, फिर उसके बाद पिक्चर्स, फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो ट्रक आर्टिस्ट हैं वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, जैसे हम पहले कह रहे हैं, और म्यूजियम हो, एक्सपोज हो, एम्बेसीज हो, यहाँ पर ये ट्रक आर्ट पेश किया जाता है। पेश किया जाता है, बिल्कुल। मेरी जो अभी इस वक्त प्रोड्यूसर हैं सवेरा, वो मुझे मुसलसल अशआर सुना रही है, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी फैन है, जो अशआर जो है वो उनको याद है। खैर, हमारे साथ ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली मौजूद हैं, क्या ही बात है उनके ट्रक आर्ट की और उनकी बरादरी की, तो हम उन्हें सलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हैदर। बहुत शुक्रिया हैदर जी, आपने हमें ज्वाइन किया, और इतना जबरदस्त काम आप लोग करते हैं कि आप यकीन जानिए कि इतना बड़ा जो हमारा कल्चर है ना, आपका ट्रक आर्ट उसको रिप्रेजेंट करता है। जी, बस ये हम तो काफी अच्छे से लगे, मैं आपकी मोहब्बत भरी नजरें आज हमारे पे पड़ी हैं, और हमारे पूरे ट्रक आर्टिस्ट माशाल्लाह एक अच्छे से, कुछ मर गए कुछ जिंदा है, सबके अपने अपने डिजाइन है, और इसमें इसमें आप मुख्तलिफ रंग, क्या आप पूरा पाकिस्तान हमारे ट्रक में देख सकती हैं, केपीके से कश्मीर से लेके पूरे आजाद कबायल बलोचिस्तान पूरा मिक्स चल रहा है हमारे यहाँ, कभी कोई फिरका वराना फसाद हमारे यहाँ नजर नहीं आया, बिल्कुल हमेशा पाकिस्तान मोहब्बत नजर आई है। आप वो देख भी सकते हैं, हल चरी जारण से केड़ा लिखा तुसी लग जाओ साड़ी खैर है, मना बलवती सोच, ठीक है ना, ये अपना देख मगर प्यार सर प्यार से बड़ा मशहूर है ये। देख मगर प्यार से पश्तो में पश्तो और उर्दू मिक्स करके हमने हमारे शायरों ने हमारे, मैं उनकी शायरी कहूंगा जिन्होंने हमारे लिए शायरी लिखी है, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे शेर लिखे हैं, आना तेरा मुबारक जाना तेरा उदासी, गड़े जमा उबासी, पश्तो उर्दू मिक्स करके बहुत कुछ लिखा हुआ, लेकिन नजर पाकिस्तान के अंदर तो हम लोग हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की नजर आज हमारे पे पड़ी है। नहीं नहीं, हमेशा से नजर पड़ी हुई है हैदर साहब, और पाकिस्तानी जो है हमेशा से इसको बड़ा एंजॉय भी करते हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, हाँ नहीं, पूरी दुनिया वाले आपको बड़ा पसंद करते हैं, लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो तो नजर आ रहा है हमें, लेकिन लोगों की नजर मीडिया के जरिए, एक अरसे से मेरे दोस्त काफी मेरे इंटरव्यू ले चुके हैं पूरी दुनिया में, बिल्कुल, और ये देखिए ना, आप हम वही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए किसी के पास कोई डिग्री होना जरूरी नहीं है, ये वो आर्ट है जो हुनर है पूरी दुनिया में देखा जाता है। अच्छा, अभी आपको जो हमने दावत दी ना हैदर, वो आपका एक बड़ा जबरदस्त ट्रक आर्ट जिसमें आपने जॉर्ज फ्लॉयड की तस्वीर बनाई, इस तरह की मुख्तलिफ मिसालें मिलेंगी। जी जी, आप बात कंप्लीट कीजिए। मैं जिक्र कर रही थी उस तस्वीर का जो आपने बनाई। तो मेरा मकसद कहने की ये था कि मैं आप उसी बात पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे जॉर्ज फ्लॉयड पे आ रहा हूँ, तो हमने हर दौर में हर अपने लीडर की तस्वीर बनाई है, हर अपने कायद की तस्वीर बनाई है,
और मोहब्बत भरे रंगों से बनाई है। बिल्कुल। और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर हम लोग उनकी शहादत पे नहीं खाली बनाई, उनसे पहले भी बनाते रहे और उनकी शहादत पे तो और ज्यादा बनी है। लोग हर कौम के बंदे ने अपनी गाड़ी पे बनवाई है। हमारे ट्रक गार्ड का ताल्लुक खाली मखसूस किसी कौम से, किसी जात से, किसी फिर कैसे नहीं है। हमारा पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरा पाकिस्तान में हमारे ट्रक ही नजर आते हैं आपको रोड पे चले जाए, खुशियां बिखेरते हुए, रंग बिखेरते हुए नजर आते हैं। तो जॉर्ज फ्लॉयड मसला यह था कि अभी पिछले दिनों कोरोना का बड़ा हमारे पे गहरा असर पड़ा, ड्रग आर्टिस्टों पे, पूरी हमारी ड्रग आर्टिस्ट जो हमारी कम्युनिटी है उस पर बड़ा असर पड़ा, ट्रांसपोर्ट पे भी असर पड़ा है। तो उसकी वजह से मैं घर पे बैठा हुआ था, मैं मुख्तलिफ मैंने एक पेंटिंग बनाई कोरोना के ऊपर, कोरोना कोरोना बस कोरोना। तो और दूसरा फिर मेरे आया कि चलो मैं ये अपना एक फ्रेम ऐसा बनाता हूँ जिसमें मैं अपने स्टार्स की तस्वीर भी बनाऊंगा और अपने जॉर्ज फ्लॉयड की बना के सबसे पहले मैं अपने फेसबुक पे जो मेरे अमेरिकन दोस्त हैं उनको मैं अपनी तरफ से जैसे हमेशा मैं भेजता आ रहा हूँ, तो मैंने ये भी उसी लिए भेजी थी कि चलो पाकिस्तान की तरफ से और हमारे ट्रक आर्टिस्टों की तरफ से जाएगा रंगीन तोहफा। तो माशाल्लाह मीडिया वाले भी काफी जानते हैं पुराने अरसे से, तो जबरदस्त हैदर, बड़ा जबरदस्त मैसेज है, कोई शक नहीं है, मेरे दोस्तों ने पहले मुझे भेज दिया। बिल्कुल, आपने जो मैसेज दिया बड़ा ज़बरदस्त था, और सियाह फाम के साथ जो जुल्म हुआ अमेरिका में वो अभी भी जारी है और उसके लिए एहतजाज जो है उसके अगेंस्ट वो भी जारी है, उसमें आपने अपना हिस्सा डाला है, बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा जो आपने आज तक आप ट्रक आर्टिस्ट हैं आप और आपकी कम्यूनिटी जो करती है इस तरह से काम, आपने कहाँ कहाँ पर अपने जो ट्रक आर्ट है आपका पेश हुआ है एक्सपोज में, इसके अलावा म्यूजियम्स में, कहाँ कहाँ पर, क्योंकि पूरी दुनिया में तो ये देखा जाता है। अब तो पूरी दुनिया में कर दिया आप लोगों ने, आप लोगों की मोहब्बत है कि आप भी साथ साथ हमारा ताउन दे रहे हैं पाकिस्तान के रंग बिखेरने में, मीडिया भी और सोशल मीडिया भी और प्रिंट मीडिया भी, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली तक, अमेरिका, कनाडा की सेनेट में मैंने वर्कशॉप की है सेनेटर के साथ। अच्छा। इसमें सोनियन दुनिया के बड़ा म्यूजियम है और रॉयल ऑन्टारियो म्यूजियम, देखिए मैंने वहाँ पे बहुत सारे अपना मैं लोगों के साथ रहा हूँ, मुख्तलिफ मजाहब के साथ रहा हूँ, मुख्तलिफ कौमों के साथ रहा हूँ, मुख्तलिफ रंगों के साथ रहा हूँ, तो मुझे मेरे दिल में भी दर्द होता है, मेरे दिल में भी एक वो होती है कि मैं बचपन से कराची में पैदा पला बड़ा हुआ, मुझे कराची के पूरे एक गली का मालूम है, एक एक कराची के चारों तरफ हम हमारे ट्रक आर्टिस्ट बिखरे हैं और भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, पूरे अपने रंग बिखेर रहे हैं, उसमें आप लोगों को देखें कि कैसे एक मैसेज मिल रहा है, हर बंदा खुश हो रहा है ट्रांसपोर्ट अगर जा रहा है। अच्छा, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हैदर गोलियों से मार खा के बेचारा रोड पे जा रहा था, खुश होके जा रहा था अगर हमारे ट्रक दिखता पड़ता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप हैदर, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं लोगों के जहनों में, मतलब मुझे बचपन से लेकर आज तक बड़ा शौक था ट्रक के पीछे लिखी हुई शायरी पढ़ने का, ऐसे लफ्ज जो लिखे रह जाते हैं और वो याद भी रह जाते हैं, तो इसका मतलब इसका बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लोगों पे ना असर होता है और लोग उसको मैसेज के तौर पर लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि कभी आपने किसी एक मुहिम के ऊपर फोकस किया कि आप लोगों में आगाही दे सके, इसके थ्रू एक फन साइड और लिटरल साइड तो आई जाती है, लेकिन कहीं कोई आगाही देने के लिए रोल प्ले करना चाहेंगे हमारे ट्रक आर्टिस्ट? देखें मैं बता रहा हूं आपको कि हम रंगों के जरिए अपने शेर और शायरी के जरिए मैसेज पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं, और हमें देखें हमारा रोजी रोटी है, ठीक है ना, अगर हम इसको छोड़ के कहीं जाते हैं किसी जलसे जुलूस में अगर जाए ना तो हमारी पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। तो पूरी टीम होती है हमारे साथ, उनकी उनकी दिहाड़ियां देना, उनके खर्चे पूरे करना, फिर खाना वगैरह, तो हम लोग इतना टाइम दे नहीं सकते कि किसी उसमें स्ट्राइक में या किसी जलसे जुलूस में जाकर। तो हम लोग ये करते हैं कि अगर हमने नाच सुननी है, तिलावत सुननी है, हमारे मस्जिद घर के करीब है, हम वहाँ चले जाते हैं, अगर गाना सुनना है तो हमारे घर पे तो अपना आईपैड है, उस पर हम सुन लेते हैं, और रंगों के जरिए हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी खानदानी और हमारे उस्तादों की मेहनत है सारी, इसमें हैदर अली का कोई कमाल नहीं है, ये हमारे उस्तादों का कमाल है, हमारे बुजुर्गों का कमाल है, कमाल ये है कि हैदर अली उसे दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्लाह ताला की देन है, अल्लाह ने मुझे एक रंग फन दिया और उसको अल्लाह ने इस्तेमाल करवाया। मैं बिल्कुल जबरदस्त हैदर, अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाब करे और आप इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहे और ये टैलेंट आपका जो है मजीद निखरे और आपके साथ जो लोग हैं वो भी इसको जरूर फॉलो करें। बहुत शुक्रिया हैदर, आपने वक्त दिया और जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जबरदस्त टैलेंट है और लोग हैं, और ये मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी आप अब कुछ कह रहे हैं तो बोलिएगा। ये जबान गाहिर ऐसी जबान है हमारे पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया समझती है, मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती लेकिन बाहर मेरे रंग लोग समझते हैं मेरी जबान, ये रंग ही आपकी जबान है और अल्लाह ताला आपके इन रंगों को हमेशा खुश शक्ल रखे और इनमें बहार रहे। थैंक यू सो मच हैदर फॉर बीइंग विद अस। और जिस तरह से मैं कह रहा था हैदर ने जिक्र किया है, मैं हैरान हूँ कि वो देखें अमेरिका में
यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया हो, वो हर जगह पर पाकिस्तान के और उनके सेक्रेटेरिएट्स के साथ जाकर काम करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, बड़ी बात है। और इसी तरह अगर ये टैलेंट है और जो भी लोग इसमें तो जरूर आगे आए। बिल्कुल सही, इसी के साथ आपसे हम इजाजत चाहेंगे, कल मुलाकात होगी सेम टाइम पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, SOPs फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।